zombie apocalypse. असलम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हो उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूं ट्रेनिंग उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। तो यहां पर इसमें आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। तो कि जैसे कि हमने डेमो वीडियो में देखा, करके आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके का एक न्यू ट्रेंड स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी डॉक लाजमी देखनी होगी। तो चलिए इस मेरा नवेश की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपने यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे कि आपने लाइट मोशन जो अपनी ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे किस मैंने ओपन कर लिया, देन गिज आपको प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाके कोई एक साइज़ चूज़ करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अगर जब आपने बैकग्राउंड के ऊपर जो से एक ऑडियो यूज़ कर लेनी है, तो ऑडियो जो से किस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, अगर आपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई एक वीडियो या इमेज जो से आपको यहाँ पर यूज़ कर लेनी है। तो ये इमेज जो से किस मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, इसको जो मैं जिस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करूँगा। तो ये जो से यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आपको करना क्या होगा, इस इमेज को गिज आपने वहाँ तक कर ले जाए जितना भी गिज आपका स्टेटस होगा। गिज आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन को जाके गिज आपको यहाँ पे शेप चूज़ करनी है, देन गिज आपको कलर वाले ऑप्शन को जाके यहाँ पे गिज आपको ब्लैक रखना, देन बैक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गिज आपको जाना होगा ब्लर वाले ऑप्शन के ऊपर, गैसिंग ब्लर है वो गिज आपको चूज़ कर लेना है, उसको गिज आपने फुल कर लेना है गैसिंग ब्लर को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन बैक के ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें जो है इसको यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, जितना भी हमें चाहिए होगा उस हिसाब से गई जो सा आपने यहाँ पे बॉक्स जो सा गिज आपको ऐड कर लेना है। तो ये गई जो सा मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने को तो मैं गई यहाँ पे जो सा मैंने रेक्टेंगल यूज़ किया था, इसको भी इसमें एंड तक ले जाऊँगा। अगर इस बार ये जाती है यहाँ पर जो से रिलिक्स वगैरह ऐड करने की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर किस मैं आपको लिंक दूंगा, तो वो गिज आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो कई जो कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि हम किस तरीके से जो सा इसको यूज़ कर सकते हैं XML को, तो कि जो सा भी मैं आपको XML वगैरह प्रोवाइड करूँगा उसके ऊपर गिज आपको इस तरीके से क्लिक किए रखना है, यानी कि जहाँ पे गिज ये डाउनलोड होगा, देन गिज आपको शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और यहाँ पे गिज आपने जो सा लाइट मोशन गिज आपको यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ से गिज आपने लाइट मोशन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे गिज आप देख सकते हो नोटिफिकेशन इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट। अगर आपने यहाँ पर वापस लाइट मोशन में आना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, तो ये फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा न्यू ट्रेंड बाय उसामा राजपूत के नाम से। तो ये जो सा होगा गिज आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये वाला। अगर आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गिज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे गिज आपने कॉपी लेयर कर लेना है कुछ इस तरीके से। कॉपी लेयर करने के बाद बैक के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो सा गिज आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वो गिज आपको ओपन करना है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर आपको लेयर कर देनी है। अगर आपको यहाँ पे करना क्या होगा, लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ से गिज आपने जो सा ये उर्दू वाला जो सा टेक्स्ट होगा वो गिज आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये गई जो सा मैंने यहाँ से ट्रिम किया है, मैं तेरी ये जो से मैं यहाँ पे रिलिक्स ऐड कर लूँगा। यहाँ पे गिज आपको अपनी पसंद का कोई एक फ़ोन है वो गिज आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना, देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको देख लेना है कि पैरालिक्स कहाँ पे आते हैं, उस हिसाब से गिज आप उसे इसको कम ज़्यादा कर लेना है टाइमिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाके, ठीक है। अगर इस बार यहाँ पर बढ़िया जाती है कोर इफेक्ट यूज़ करने की, तो एड इफेक्ट के ऊपर गिज आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गिज आपको जाना होगा ड्राइंग एंड एज वाले ऑप्शन के ऊपर, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है गिज आपको कॉर्नर लाइन्स के नाम से इफेक्ट, तो इसके ऊपर गिज़ आपको क्लिक करना है। स्टेटस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे गिज़ आपने इस इफेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे गिज़ आपको कलर जो सा वाइट यूज़ करना है, और गिज़ आपको अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे है, अगर चाहे तो इसको फेद कर सकते हैं, अगर गिज़ आपको ज़्यादा तेज लगे अंडरलाइन उन्हें गिज़ आपकी मर्ज़ी है। तो ये गिज़ यहाँ पे आ चुका है, तो अब गिज़ आप देख सकते हैं कि हमारा जो सके यहाँ पे रिलिक्स है वो गिज कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर आपने इसी का डुप्लीकेट लेना है, डुप्लीकेट लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, इसको आगे की तरफ मूव कराना है, और यहाँ पे गिज आपको जो सा भी अगर रिलिक्स होगा वो गिज आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये दरमियान वाले को कट करूँगा, और दूसरा गिज जो सा रिलिक्स होगा वो गिज मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, देन मैं गिज ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से गिज आपने जो अपने सारे रिलिक्स ऐड कर लेने हैं। अगर इस बार ये जाती है कि बैकग्राउंड के ऊपर गिज आपने किस तरीके से जो सा वो इफेक्ट यूज़ करना है, वैसे गिज आप चाहे तो इस रिलिक्स के नीचे अपना खुद का नेम यूज़ कर सकते हैं, या फिर गिज इमोजी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, वो गिज आपकी मर्ज़ी है। बैक के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे गिज मैं वापस जाऊँगा उसी XML के ऊपर, और ये रहा गिज जो सा इफेक्ट, इसको गिज आपने ओपन करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके, थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाके कॉपी इफेक्ट आपको कर लेना है, देन बैक के ऊपर क्लिक करना है, और इस प्रोजेक्ट में आना है। यहाँ पे गिज जो भी आपने इमेज या वीडियो यूज़ की होगी उसके ऊपर ला के आपको पेस्ट कर देना है, और गिज आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे इसमें आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, जो कि गिज हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गिज आप जो है खूबसूरत स्टेटस वीडियो अपने मोबाइल के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।